बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और जी आज है वीकेंड, वीकेंड नहीं है मतलब सैटरडे की भी छुट्टी थी और संडे की भी छुट्टी थी, और ये वीडियो जो है ना थोड़ी लेट ही अपलोड होगी। तो आज सैटरडे है और 25 दिसंबर की भी छुट्टी थी। और जी इधर मैं आपको अपने जूते दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और जी ये सैटरडे का दिन है और तो बन गया प्रोग्राम बैठे बैठे के। चलें शाहकोट चक्कर लगा के आते हैं क्योंकि यहाँ से नज़दीक ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फिर ये है कि संडे फिर घर पे रेस्ट होगा, तो हम लोग जा रहे हैं शाहकोट, वहाँ पे हमारी आंटियाँ रहती हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, हम कभी गए नहीं थे। कम आई थिंक मुझे लगता है 2-3-4 साल तो हो गए थे जब हम लास्ट टाइम गए थे। तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी दो आंटियाँ रहती हैं, दोनों की एक ही घर में शादी हुई है दोनों भाइयों के साथ। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर, और आप मेरे साथ रहिएगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ घूमे फिरे। और जी हम शाहकोट शहर से आगे जहाँ उनके गांव का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कौन सा रास्ता है उनके गांव को जाने के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि 3-4 साल पहले गए थे तो इतना कोई आइडिया नहीं है, तो अब देखते हैं कि हम बगैर भूले पहुँच जाएँगे कि हमें भूलना पड़ेगा, क्योंकि भूलना तो मस्ट है हमारे हर सफ़र में, जहाँ भी हमने जाना हो। ये अब लास्ट पीछे हम भूल के आए हैं, एक जगह से हम भूल भी आए हैं क्योंकि हमने दूसरी जगह से लेना था तो हमने दूसरी किसी और रास्ते से गाड़ी को मोड़ लिया था, ठीक है जी। तो अब देखते हैं उनके जो गांव को सड़क जाती है वो सड़क अब हम ढूंढ रहे हैं। और जी हम इधर अभी खड़े देख ही रहे थे कि किधर को मुड़ना है, तो यहाँ पर ना आंटी ने अपने बेटे को भेज दिया था, वो भाई हमें लेने आ गए थे। तो वो देखें जी, वो हमें लेने आए हैं और वो मोटर बाइक पर वो हमें कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। हमारी गाड़ी के आगे आगे वो हैं और हम उनके पीछे उनको फॉलो करते जा रहे हैं। हालांकि पहले गए हैं लेकिन अभी इस टाइम ना जहन में नहीं था मतलब के, और हम तो खाली उनसे एड्रेस पूछा था लेकिन वो खुद मतलब खुद हमें आगे से रिसीव करने आ गए थे, जहाँ से उनके गांव को रोड जा रहा था वहाँ से, ठीक है। अभी गांव तो काफ़ी आगे है, आगे जाकर है। तो ये देखें जी, और भाई को हम देखने की फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाई ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और जी यहाँ पे सड़क भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो मेरा जो है ना मोबाइल वो भी बार बार हिल रहा था, वीडियो भी मेरे से सही नहीं बन रही थी। ये देखें आपको हिलती भी नज़र आ रही होगी। और जी ये देखें, हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो जंपें ज़्यादा लगनी शुरू हो गई कि भाई को हम फॉलो करें, उनको देखें और उनसे पूछें कि आप हमें लेने आए हो। और इधर हसान कह रहा था कि क्या पता आंटी ने बोला हो कि उनको जल्दी लेकर आना, पर वो तो जल्दी खुद ही जा रहे हैं, हम तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। और ये देखें जनाब, इधर हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हर तरफ मतलब के हरा भरे भरे खेत थे। जाहिर है सर्दी का मौसम है तो उस लिहाज से लोगों ने फसलें लगी हुई हैं। और ये देखें, और अच्छा सारी सड़क ख़राब नहीं थी, कुछ थी थोड़ा सा हिस्सा था जहाँ से मतलब के थोड़ी सी वो ख़राब थी, और बाकी तो रास्ता उनका ठीक था। और जी इधर हम पहुंच चुके हैं, और ये देखें इधर अभी हमें ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं या दूसरे तोते हैं, बड़े प्यारे कलरफुल से ये तोते इतना शोर कर रहे थे, और जैसे ही वीडियो बनाने के लिए मोबाइल उठाया तो वो एकदम से सारे खामोश हो गए। और इधर हम बात कर रहे थे कि पहले इन्होंने इतना शोर किया हुआ था और जैसे ही हम वीडियो बनाने लगे तो शायद इनको पता चल गया और ये एकदम से साइलेंट मोड पे आ गए। उसके बाद जी हमने चाय पी, चाय के साथ उन्होंने काफ़ी अहतमाम किया हुआ था, और इधर शायद हरीमा अंडे गिनने की कोशिश कर रही है कि क्या है। और ये देखें, ये बेसन बना हुआ था और एग थे उनके और बिस्किट थे, और ये चाय वगैरह पी। और उसके बाद जी हम निकल पड़े बाहर खेतों की तरफ के, चलें जी बाहर देख कर आएँ, घूम फिर कर आते हैं क्या है। और
ये देखें जी, ये है सरसों लगी हुई है, सरसों का साग और वो फिर सरसों का जो ऑयल निकलता है पकने के बाद, ये आप देख सकते हैं सारी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। वो चले गए जी हमारे साथ जो थे, वो भागते जा रहे हैं, हम इतने पीछे रह गए। और ये देखें जी, ये इधर भी ये चारा वगैरह और ये इधर भी सरसों का साग ही लगा हुआ है, जो चारे के तौर पे भी यूज़ होता है और फिर जो 8-8 महीने हम लोग साग खाते हैं। ओए होए, ये देखें, ये देखें, ओ जी अभी बस थोड़ा सा चले हैं और मेरा सांस फूल गया है, बहुत ज़्यादा सांस मेरा फूला हुआ है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और ये जी इधर हमें एक नेक बुज़ुर्ग हस्ती का, किसी का मज़ार था किसी बुज़ुर्ग का, वो हमने देखा है। और ये आप देख सकते हैं कब्र कितनी बड़ी है, और इस तरह की कब्रें ना, वैसे आज मैंने रियल भी देख ली है, वैसे मैंने अक्सर वीडियोस वगैरह में ये इस तरह देखी हैं जो पुराने बुज़ुर्ग वगैरह उनकी कब्रें वगैरह इतनी बड़ी होती थी, और ये आज मैंने रियल भी देख ली है। और ये शायद ये उनके मुरीद वगैरह थे, ये उनकी हैं ये कब्रें, देख लें। ये है जी हमारी हकीकत, इंसान की बस इतनी सी ही हकीकत है, इतनी ही ज़िंदगी है, चाहे हम कितना जी लें लेकिन एंड हम लोगों का, इंसानों का यही है। ठीक है जी, और ये जा रहे हैं हम, ये नहर है। ओ जी अब बाकी हमने चल के जाना है नहरों नहर, और वो हमारे साथ वाले जो देखें सब आगे निकल गए और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ये मैं पीछे पीछे हूँ। और ये हरियाली देख के आंखों को इतना सुकून मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखें हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और कुछ फसलें लगी हुई हैं, कुछ कट चुकी हैं। अबू के ये देखें जी, ये हैं गन्ने, ये भी आलू वालों की, हंटी वालों की ये फसल, ये अधीना इस तरह होते थे ना नानी और नानो नाना बू वालों के, अभी भी हैं खैर, लेकिन मैं तो छोटी होती थी, मेरी कज़नें जो है ना अंदर घुस के तोड़ के अच्छे वाले गन्ने ढूंढ के लाती थी। वो अब उन सबकी शादी हो गई है ना, अब तो नहीं है, तो उन्होंने अंदर जाना, जाके अंदर से अच्छे वाला जो गन्ना होना ना, खूबसूरत जिसको कहते हैं, वो ढूंढ के लाना उन्होंने। सारे मज़े मैंने उनके साथ किए हैं। ओ जी ये देखें, ये क्या है, ये छोटा जो खाला होता है ये वो जा रहा है, और वो ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ट्यूबवेल अभी जो है वो बंद है क्योंकि नहर के अंदर पानी है। और ये देखें जी, ये नहर है, छोटी नहर है वैसे, ये तो खाले टाइप नहर है, और ये नहर से पानी इसके अंदर आएगा और इससे आगे ये खाला है, ये फसलों को पानी आगे सप्लाई करता है जहाँ जहाँ फसलें होती हैं। वो गन्ना तोड़ने गया भाई। हाँ, मैं तो गन्ना सा ले आया, सूख गया। ये है जी सब्जियाँ, सरसों, घास, ये आप देख सकते हैं। अंदर घुस के अच्छा सा तोड़ के लाओ, अंदर से निकलते हैं अच्छे अच्छे, मेरे से पूछो। हाँ जी, हाँ नहीं, अंदर होते हैं, अंदर से ढूंढ के लाना पड़ता है।
मैं वही अदीना को बता रही थी, ये सारी अयाशियाँ मैंने की हुई हैं अपनी कज़नों के साथ, मैं खुद कुछ नहीं करती थी छोटी थी। जो सबसे खूबसूरत गन्ना होता था ना और मोटा। आगे से हटा साहब, ले बनाओ एक जगह रुक जाओ। वो ना पता है मैंने देख लिया, वो भाई खुद डरता है अंदर जाने से। मुझे भी यही लग रहा है। मैं नहीं जाती थी, मेरी कजन इतनी आगे नहीं, थोड़ा सा आगे, बिल्कुल आगे नहीं, थोड़ा सा आगे। ओ जी, अब हम इधर से गन्ने तोड़ तोड़ के ये हम जा रहे हैं, और एक हस्बैंड साहब जो हैं वो खा रहे हैं गन्ना, और दूसरा अदीना ने पकड़ा हुआ है। यह अदीना की ड्यूटी है, और हम जिस नहर से आए थे उसी से अब हम वापस जा रहे हैं। ओ जी, इधर हम ना लोकेशन ढूंढ रहे थे कोई, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ना, कोई अच्छी सी जहाँ फुल बड़ी हो, और वहाँ पे शॉर्ट के लिए एक वीडियो बनाई जाए छोटी सी। ये देखें आप, हर तरफ ये सरसों लगी हुई है, सरसों का मौसम है, हर तरफ सरसों और गन्ना और सब्जियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। मैं स्पेशल वो गुड़ का वो खाने जाती थी, स्पेशल जाना कि बेलना चल रहा है। मैं भी खाने जा रहा था, दो वाली खा रहा हूं। आपने किधर खाया? शरादपुरी में बहुत खाती थी, स्पेशल मुझे होता था कि मैंने जाना है, बेलना चल रहा है तो मैं जाऊँ उधर बैठ के खा के आना। ओए होए होए, अल्लाह की कसम, वो हट जाओ यार हरीम। हाँ, तोड़ना नहीं है, जबरदस्त। हाँ, ये वो वादी आदि खिली नहीं है ना। हाँ जी, ओ जी, इधर हम जा रहे थे तो इसके ऊपर ना रात की शबनम पड़ी हुई थी, ये जो भी फसल लगी हुई है ना, तो ये हमारे पाँव को लग रही थी ठंडी ठंडी। तो इधर मेरी बेटी भी, इसने भी कहीं टीचर से सुना था, तो ये जो जो रात को शबनम पड़ती थी इसके फ़ायदे मुझे बता रही थी कि मम्मा टीचर्स ने हमें बताया था कि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और फिर मैं भी इसको बता रही थी कि मेरी अम्मी बताया करती थी कि मेरे नाना अबू जो हैं वो रात को गाँव में मूली को छील के वो टोकरे के नीचे ढक के रात को रखते थे, और सुबह फिर वो खाते थे। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं शबनम के, कि मतलब कि रात को ठंडी करके उसको ढक के आसमान के नीचे रख के उसको ढक देना, और सुबह फिर निहार वो खाना मूली को, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती थी। इस तरह हमारे नाना अबू किया करते थे। और ये देखें जी, इधर जा रही हैं ये गायें भैंसें वगैरह लोग लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे मुझे ना बहुत अच्छी आगे, मतलब मैं भाई को कह रही थी मुझे बहुत अच्छी गुड़ की खुशबू आ रही है, जैसे वो गन्ने के ऊपर चांट वगैरह लगा के खाते हैं ना वो वाली। तो भाई कह रहे थे कि आप घर पे पहुँचो, आपके घर पहुँचने से पहले पहले वो घर पे पहुँच जाएगी आपके खाने के लिए। ओ जी, भाई कह रहे थे अभी इस तरह भी हैं ज़मीनें तो उधर चलें, तो मैंने कहा नहीं भाई, बस हो गई है बहुत चल चल के, हमारी मत मार हो गई है, अब और नहीं चलना बस। तो हमारी बस हो गई, उनकी ज़मीनें ख़त्म नहीं हुई अभी तक, और इधर ये गिलहरी थी उसको फोकस करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हुई। ये है जी पूरा गांव, काफ़ी बड़ा गांव है ये। किधर है? उई। वो आ गए। मम्मा एक सेकंड। मम्मा मैंने नहीं। एक सेकंड। ओ भाई। हमारी टांगे ही ना पकड़ ले। नहीं एक सेकंड मम्मा। इधर आ जा दीना।
ओ जी, ये बाहर से हम घूम फिर कर आए हैं, तो ये खाना हमारा रेडी था और खाना लग चुका था। खाने में उन आंटी वाले ने बहुत एहतमाम किया था, हमारी सोच से भी ज़्यादा किया था। इसमें चिकन था, चावल थे और साग था और कढ़ी थी और देसी मुर्गी का सालन भी था शोरबे वाला, और फिश फ्राई की भी थी और चिकन रोस्ट था, बहुत कुछ था। और ये देखें जी, मक्खन भी पड़ा हुआ है साग के लिए, उन्होंने मक्खन भी रखा हुआ है गर्म करके, और मीठे में कस्टर्ड था। खाना बहुत अच्छा था, बहुत उन्होंने अहतमाम किया हुआ था। और जी ये है जी वो चाट, और जो जिसकी मैं जिक्र कर रही थी, जिन्होंने खाई है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं खाई वो जी अब देख लें, वो खा तो नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं। और ये भाई जी, हम जैसे ही घर आए तो भाई ले आए थे, और मैंने खाना खा के फटाफट मैंने ये खाई, क्योंकि ये मैंने अपने बचपन में बहुत खाई हुई है, और अभी मैं बहुत टाइम बाद, कई सालों बाद ये मैं दोबारा खा रही हूँ, और इसकी कितनी खुशी थी ये मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखें जी, ये दो गन्नों पर लगा के लाए थे और ये सारी मैंने फिनिश कर दी थी। मुझे इसकी इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने पता नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने कितने सालों बाद ये दोबारा खाई है। और जिन्होंने खाई है ना, उनको इस चीज़ का पता होगा, जिन्होंने नहीं खाई ना वो सिर्फ देख सकते हैं, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बचपन में मैंने बहुत खाई है। और जी उसके बाद हम रवाना हो गए थे वापसी के लिए, शाम हो गई थी, मगरिब होने वाली थी, मगरिब बल्कि हमें रास्ते में हुई है। और ये देखें जी, ये आ रहा था बकरियाँ और ये दुम्बे वगैरह, ये इनका पूरा रेवड़ था, तो भाई वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो इसलिए हम रुक गए थे और हम देख रहे थे कि ये गुजर जाएं तो हम फिर ही जाते हैं। और वापसी पे आंटी वालों ने हमें बहुत कुछ, अपनी जो ज़मीनों की चीज़ें थी वो काफ़ी कुछ हमारे साथ दे दिया हमें ले जाने के लिए, कि ये जी हमारी अपनी ज़मीनों की चीज़ें हैं सौगात के तौर पर, या आप लेकर जाओ। शकरकंदी थी, गन्ने थे और चावल वगैरह थे, और जितना कुछ उनकी फसलों से आ रहा था सब कुछ उन्होंने दे दिया। अंडे थे देसी मुर्गियों के। और जी ये देखें आप, मौसम देख सकते हैं, बादल ये आप आसमान पे। और जी मगरिब हमें रास्ते में हो गई थी। और जी आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, और मुझे दे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।